आप तो जानते हैं हमारे भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार मिस्टर दिनेश लाल यादव निरहुआ सर इस समय आजमगढ़ में उपचुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं, जोरों शोरों से चुनाव प्रचार प्रसार चालू है। जहां एक तरफ आम्रपाली दुबे उनकी बहुत ही करीबी मित्र दोस्त हमेशा उनके साथ होती हैं और प्रवेश लाल यादव निरहुआ जी के छोटे भाई हमेशा ही निरहुआ जी के साथ देखे जा रहे हैं, हर रैली में देखे जा रहे हैं, हर जगह प्रचार प्रसार जोरों शोरों में कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब भोजपुरी सिनेमा के कुछ दूसरे भी दिग्गज कलाकार सुपरस्टार यार सभी निरहुआ जी के साथ जुड़ गए हैं। कल सोशल मीडिया पर कई सारे अभिनेताओं ने पोस्टर डाला था कि भैया 2 बजे हम निरहुआ जी को जाकर मिलेंगे और 2 बजे से निरहुआ जी के साथ पद यात्रा करेंगे, रैलियों में शामिल होंगे और रथ यात्रा करेंगे, लेकिन किसी भी तरीके से प्रचार प्रसार करेंगे। दूसरे विंडो में आप देख पा रहे हैं मृदुल मनोज तिवारी जो खुद भी एक सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं, जुड़ चुके हैं निरहुआ जी के साथ। इसके अलावा मैं रितेश पांडे को देख पा रहा हूँ, भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार सिंगर बेहतरीन एक्टर रितेश पांडे भी निरहुआ जी का जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा आम्रपाली दुबे को आप देख ही रहे हैं, प्रवेश लाल यादव को आप देख ही रहे हैं, नीलम गिरी भी यहां पे आपको दिख रही हैं रथ पर। साथ ही साथ भोजपुरी सिनेमा के सुपर डुपर वलन संजय पांडे भी दिख रहे हैं। हाल ही में मनोज सिंह टाइगर भी चुनावी रैली में शामिल हुए थे, अकेले जाकर कई जगहों पर आजमगढ़ के कई क्षेत्रों में जाकर उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। भोजपुरी सिनेमा जुट गया है निरहुआ जी को किसी भी हाल में जिताने के लिए। आलम यह रहा कि मृदुल मनोज तिवारी, रितेश पांडे, संजय पांडे, आम्रपाली दुबे, नीलम गिरी, प्रवेश लाल यादव और भी तमाम स्टार यार कलाकार जिनके नाम शायद मैं भूल रहा हूं, ये सभी पहुंचे थे कल निरहुआ जी के क्षेत्र में जहां से वे चुनाव लड़ रहे हैं आजमगढ़। 4 से 5 घंटे इन सभी ने कई रैलियां की, कई मंच पर सवार हुए, कई लोगों को भाषण दिया, कई लोगों को अपने अपने तरीके से समझाया गया, यहां तक कि गाना बजाना तक हुआ है। जरा भी चूक नहीं भोजपुरी सिनेमा के स्टार चाह रहे हैं। वाकई में एक बहुत बड़ा जनसैलाब जन समर्थन भोजपुरी सिनेमा से निरहुआ जी को मिला है, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि भाई एक बहुत बड़ी भीड़ निरहुआ जी के आसपास देखी जा रही है। बगल वाले विंडो में आप तस्वीरें तो देख ही रहे हैं कि किस तरीके से निरहुआ जी का प्रचार प्रसार करने के लिए सब जुटे हैं। क्या लगता है आपको, निरहुआ जी की होगी जीत? इस अहम सवाल के साथ इस वीडियो का समापन लिखिएगा जरूर।